फाइंड द मिसिंग नंबर, नंबर या टर्म। टू है फिर फाइव फिर टेन, तो यहाँ पे क्या होगा 136। तो आपको पहले तो सोचो कि टू के बाद फाइव कैसे आया होगा या फाइव के बाद फिर टेन कैसे आया। फिर उसी पैटर्न से नंबर हमने निकालना है। फिर एक बार चेक कर लेना कि जो नंबर हमने निकाला है क्या उसी पैटर्न में अगले वाला नंबर बन रहा है, उसी सीरीज में चल रहा है आगे, वो चेक करना पड़ेगा। तो ये देखो पहले टू में अच्छा मल्टीप्लाई वाला लगाते हैं, टू टू जा अगर टू से मल्टीप्लाई हुआ तो टू टू जा फोर प्लस वन हो गया, टू टू जा फोर प्लस वन, क्या इसी पैटर्न में चल रहा है, इसको चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ फाइव टू जा टेन, अच्छा यहाँ पे प्लस कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो जीरो प्लस हुआ। अब क्या ये पैटर्न चल रहा है, चल पा रहा है? देखो मल्टीप्लाई टू मतलब जो भी नंबर है, जो भी नंबर आएगा, जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई टू प्लस वन, नंबर आएगा मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो, मतलब ये जो वन हुआ पहले प्लस फिर जीरो हुआ, जीरो से भी छह नंबर होते हैं, माइनस वन देखते हैं क्या माइनस वन आएगा कि नहीं है। टेन मल्टीप्लाई टू माइनस वन, तो ट्वेंटी माइनस वन क्या होगा नाइनटीन। अब हम चेक करेंगे पहले कि क्या है पैटर्न अच्छे से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बोलो नाइनटीन मल्टीप्लाई टू और क्या करेंगे माइनस, माइनस वन से छोटा कौन है माइनस टू, तो माइनस टू करेंगे तो 92 हो जाएगा, कितना हो रहा है 38 माइनस टू 36। इसका मतलब ए पैटर्न यहाँ पे लग गया 90 मिलता 90, इसको नोट करो अच्छे से।